Good morning, student. Welcome to Indian online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss new topics in chapter admission of new part. हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसमें क्वेश्चन चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल की कैलकुलेशंस के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं इस चैप्टर में एडमिशन में. इसमें लगभग हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व? कल लास्ट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कुछ 16 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. आज 17 का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी थ्योरिकल जो गुडविल की इंट्रीज है उसको देखेंगे कैसे होंगी. तो मैं शेयर कर रहा हूँ 17 का क्वेश्चन. जिसके पास नहीं है क्वेश्चन बुक अभी भी अवेलेबल नहीं है, बाकी बुक्स अवेलेबल करो. काफी टाइम हो गया, आ रही है मार्केट में. आ रही है मार्केट में बुक्स है भाई, मार्केट में बुक आ चुकी है. तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके आ चुका स्क्रीन पे. देखो क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कैसे कैलकुलेट होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 17 को रीड कर लो. ए बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ आरएस 1 लाख. एक बिजनेस है वो प्रॉफिट जिसका एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर. पिछले 5 सालों का उसका एवरेज प्रॉफिट आता है 1 लाख. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. गुडविल की कैलकुलेट करनी है वो भी कैपिटलाइजेशन मेथड से. गिवन दैट द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 1,80,000. जबकि उसकी जो एसेट्स है वो 10 लाख है और उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो है 1,80,000. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%. तो कैपिटलाइजेशन से आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी है. आपको एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट ऑफ रिटर्न भी दी है. तो आप वैसे तो कैपिटलाइजेशन से दोनों मेथड से इसमें इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज मेथड से भी और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी. लेकिन फर्स्ट हम सुपर प्रॉफिट और फिर एवरेज प्रॉफिट से भी कैसे कैलकुलेट होगा वो दोनों सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लिखा है आपको? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख. 1 लाख कितना है? 1 लाख एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलता है? कैपिटल पे. आपको क्वेश्चन में कैपिटल लेनी है कि आप इसमें दे रखा है एसेट्स और लाइबिलिटीज. और हमने 11 में पढ़ा अगर एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस कर देते हैं तो क्या जाता है आपका? कैपिटल फाइंड आउट हो जाता है. तो एसेट्स कितना है? 10 लाख माइनस लाइबिलिटीज कितना है? 1,80,000. इट मींस कैपिटल कितनी हुई? 8,20,000. कैपिटल फाइंड आउट हो. अब कैपिटल फाइंड आउट हो गए तो आप क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है आपकी कैपिटल है
8,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना जाएगा? 82,000। लेस कर दो 82,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000। सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज या एक्चुअल माइनस नॉर्मल। तो एवरेज क्वेश्चन में गिवन था, नॉर्मल गिवन तो नहीं है, लेकिन उसके रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन थी, एसेट्स पता था, लायबिलिटीज पता था, कैपिटल आ गया। कैपिटल से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल के सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब कैपिटलाइजेशन तो दो मेथड से निकलता है, कैपिटलाइजेशन मतलब एक तो एवरेज मेथड से भी और एक कौन से मेथड से भी? सुपर प्रॉफिट से। तो एवरेज मेथड भी अपना लेंगे और सुपर प्रॉफिट भी कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट वाला क्या फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन में? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइंग 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 18,000 मल्टीप्लाइंग 100 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, 1,80,000 गुड बी। इससे सुपर प्रॉफिट, इसी गुडविल को अगर हम कैलकुलेट करना चाहे एवरेज प्रॉफिट से, तो क्वेश्चन में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है, तो हमको दोनों से कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों से हो सकता है कि दोनों की हमारे पास कंडीशन अवेलेबल है, तो गुडविल को वापस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में गिवन था? 1,00,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 माइनस कैपिटल कितनी कैलकुलेट कर रही है? 8,20,000। जीरो से जीरो तो कितना आया? 10,00,000 माइनस 8,20,000 इक्वल टू 1,80,000 गुडविल के दोनों तरफ। बाय द वे क्वेश्चन में बोलता है सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करो या एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो, तो सिर्फ हम उससे कैलकुलेट करके तो वो तो बन गया हमारा नोट। और ये हमारा क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट से निकालते तो कोई चीज कैलकुलेशन नहीं करते, इसमें कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल कैलकुलेट हो जाता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। सुपर प्रॉफिट से करनी पड़ेगी तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो उससे तो ऐसे आपके कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट। यहाँ तक 17 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल स्टडी कर लिया, फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड सैक्रिफाइस रेशियो और थर्ड गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितने टाइप्स है? लगभग 6 टाइप्स है। वैसे सैक्रिफाइस के भी कितने हैं? कंडीशन 6 है, बाकी इनके फॉर्मूले एक ही है, जैसे कि सैक्रिफाइस का ही फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, जबकि कंडीशन 6 है। ऐसे गुडविल कैलकुलेशन की कंडीशंस कितनी है? मोस्टली 3 कंडीशंस हैं, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन पे कैपिटलाइजेशन में गुडविल कैलकुलेशन 2 टाइम से हो सकती है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से एसजीए फॉर्मूला लगके सॉल्व होगा, एवरेज प्रॉफिट से ये फॉर्मूला लगके सॉल्व होगा। इनमें आपको जो चीज चाहिए कि वो क्वेश्चन में गिवन होगी, हो सकता है पजल टाइप, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट ये था लेकिन कैपिटल ही नहीं दिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले, लेकिन कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन थी, एक्सेप्ट कर कैपिटल आ गई, कैपिटल में नॉर्मल प्रॉफिट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होगी जो हमें रिक्वायरमेंट। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछो किसी को कुछ पूछना है तो इन तीन टॉपिक्स में।
यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुडविल की एंट्रीज, कि गुडविल की एंट्री होती कैसे। तो टॉपिक डाल लो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग फॉर। अकाउंटिंग के लिए ट्रीटमेंट कैसे। अब अकाउंटिंग फॉर गुडविल की अकाउंट पे कैसे अकाउंट करना है गुडविल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि गुडविल कौन लाएगा। कोई भी अपना माइक ऑन करो, गुडविल कौन लाएगा? सर पार्टनर। कौन सा पार्टनर? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गुडविल लाता है। क्यों लाता है? नया पार्टनर है आपका, न्यू पार्टनर है, वो गुडविल लाता है। एडमिशन के टाइम न्यू पार्टनर जो एडमिशन हो रहा है वो गुडविल लाएगा, इसी के लिए अकाउंटिंग हो रहा है, उसी के लिए कैलकुलेशन हुई है। पूरी कैलकुलेशन हमने गुडविल की इसलिए तो सीखी है। अब वो गुडविल तो हमने सीख लिया कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें नया पार्टनर लेके आएगा डेफिनेटली। क्यों लेके आएगा गुडविल नया पार्टनर? नया पार्टनर गुडविल क्यों लाएगा? कौन बताएगा? स्पीकर ऑन करो। कोई भी एक बच्चे स्पीकर ऑन करके बोलो। नहीं, लॉस के लिए नहीं लाता, लॉस के लिए नहीं लाता गुरु। कोई भी बोलो क्यों लाता है गुरु? आपने पढ़ा है, चैप्टर स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग वाले दिन ही बताया था गुडविल क्यों लाता है। आप बता देंगे, हिंट दे दिया कि स्टार्टिंग में बना था जिस दिन फर्स्ट, अपना शेयर दे देंगे राधिका ये से। फ्यूचर में अपना शेयर लेने के लिए उसको क्या लाना होगा? गुडविल। देखो नए पार्टनर्स में आप अपने नोट्स में देखोगे तो दूसरा टॉपिक लिखाया हुआ है राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के राइट्स। अब नए पार्टनर के राइट्स होते हैं, नए पार्टनर के दो ही राइट्स है, उसको किसमें चाहिए? शेयर ऑफ एसेट्स, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। शेयर ऑफ एसेट्स के लिए क्या लाएगा? कैपिटल। शेयर ऑफ एसेट्स के लिए क्या लाएगा? कैपिटल लिखाया था। और शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए क्या लाएगा? गुडविल। क्या लाएगा? गुडविल। इसीलिए तो हमने कैलकुलेशन सीखी है, कैलकुलेशन इसलिए सीखी ताकि हम उनको बता सके तेरा हिस्सा कितना है। क्योंकि जैसे वो 1 crore के लिए आया और गुडविल हमें पता है कि 1 lakh है, तो हम कहेंगे 25,000 लेके आओ सर, आपका हिस्सा 25,000 वो लेके आएगा। अब गुडविल लेके आएगा फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्से के लिए। अब फ्यूचर प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो मिला किससे? ओल्ड पार्टनर। किससे मिला? ओल्ड पार्टनर ने वो हिस्सा दिया किस रेशियो में? सैक्रिफाइस। किस रेशियो में दिया? सैक्रिफाइस। इसीलिए हमने सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन की। नया पार्टनर, फिर सुनना अच्छे से, नया पार्टनर फ्यूचर में शेयर लेने के लिए गुडविल लाएगा। अब वो गुडविल क्यों ला रहा है फ्यूचर में शेयर लेने के लिए? अब बात, शेयर लिया किससे? ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर ने वो दिया कैसे? सैक्रिफाइस रेशियो।
किस रेशियो में दिया? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो में दिया तो ये बताओ, किसी से कोई चीज ली जाती है तो उसके एवज में कुछ दिया जाएगा ना। हम कोई चीज लेते हैं, जैसे मैंने मार्केट से एक चॉकलेट खरीदी तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? उसको पेमेंट करना। हम कुछ भी चीज लेते हैं तो उसका भी पेमेंट करना। तो मैंने यानी एक नए पार्टनर ने फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लिया, और वो भी किससे लिया? ओल्ड वालों से। ओल्ड वालों से लिया तो ओल्ड वालों को कुछ देना पड़ेगा। तो वो क्या चीज देगा? गुडविल। क्या देगा? क्योंकि फ्यूचर में शेयर लेने के लिए क्या लाई जाती है? गुडविल। वो शेयर लिया किससे गया? ओल्ड पार्टनर से। यानी वो गुडविल देती किसको जाएगी? ओल्ड पार्टनर। ये चीज याद है, ठीक है ना? वैसे याद नहीं रहेगी। अब बात है एंट्रीज क्या होंगी। तो कई बार इस गुडविल को कई जगह इसका नाम प्रीमियम दिया जाता है। जैसे कई जगह ऐसे बोल देगा कि गुडविल दिया, कई जगह आएगा कि न्यू पार्टनर ने प्रीमियम दिया। प्रीमियम एंट्रीज क्या दिया पहले। अब गुडविल की जो एंट्रीज है वो अजीब तरीके से अलग अलग टाइप से लिख रहे। मैं सीधा सिंपल सोपल आपको समझा देता हूँ, वो याद। अब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा पहले, अब वो कैसे कैसे लाएगा ये देखो। नंबर फर्स्ट, प्राइवेट। प्राइवेटली पे करेगा। अब प्राइवेटली पे करेगा तो यानी फर्म में तो पैसा नहीं है, उसने प्राइवेटली पे किया। प्राइवेटली यानी फर्म के बाहर से पे किया कि 4000 रुपए करो मुझे पार्टनर बना लो, और उन्होंने पार्टनर बना लिया। प्राइवेटली अगर कहीं भी पे करे तो उसकी अकाउंटिंग बुक्स में कोई एंट्री नहीं पहले। तो कहीं भी क्वेश्चन में आए कि सी एज ए न्यू पार्टनर एक्टिव हुआ, उसने प्राइवेटली गुडविल इतना अमाउंट दिया, तो आप कहना कोई एंट्री नहीं। फर्स्ट। नंबर सेकंड, बेटा मास्किंग। नंबर सेकंड, फोर कैश। अगर वो कैश लेकर कैश तो एंट्री कैसे लेंगे? कैश आया ना तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट दिया। कैश अकाउंट किस चीज का आया? कैश गुडविल का। तो टू गुडविल, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, फिर वो गुडविल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए लाया था? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगी, एंट्री क्या देगी? गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर पार्टनर कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में बांटोगे? सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे नए पार्टनर को एडमिट मैंने अपना सारा हिस्सा देके किया तो सारा हिस्सा किसका होगा? मेरा ही। अगर हम दो पार्टनर ने आधे आधे दिए तो गुडविल में कोई ऐसा कैसे लगेगा? आधा, क्योंकि हमने जो शेयर दिया उसी शेयर से आपको गुडविल डिवाइड हो गया। इसमें एक चीज याद रखना, बाय द वे ओल्ड पार्टनर इस गुडविल की अमाउंट को निकाल ले। ओल्ड पार्टनर है कि जो हमें गुडविल का पैसा मिला है हम इसको निकाल लेंगे, बिजनेस से विथड्रॉ करेंगे। तो व्हेन ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ द गुडविल अमाउंट, तो एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी निकालने को। एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश और फोर कैश। प्राइवेटली कोई पे नहीं, कैश आएगा तो कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, गुडविल डिवाइड होगा गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर को सेलेक्शन और निकाल दे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश। फिर गुडविल आई कैसे? कैश। तो जाएगी भी कैसे? कैश। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक हो जाएगा? नेक्स्ट इसके अंदर चलता है नेक्स्ट इसके अंदर चलेगा। अगर वो कैश नहीं देता, अगर वो कैश नहीं,
इंडिकेशन ये हो सकती है कि वो गूगल के अकाउंट में है। डू नॉट पे गुडविल अमाउंट, तो क्या हम उसको छोड़ेंगे क्या? हमने किसी को कुछ दिया है तो उससे कुछ लेना है तो हम उसको छोड़ेंगे? हम उसकी कैपिटल से निकाले, हम उसे किससे निकालेंगे? कितनी कैपिटल से ले पैसा लेके छोड़ेगी जो हमने हमारा हिस्सा दिया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट देगा टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर। कैसे होगा, क्या अमाउंट आएगा सामने लिखना ब्रैकेट में। न्यू पार्टनर कैपिटल क्या क्या आएगा उसका? शेयर ऑफ उसका जो शेयर है हमेशा वही आएगा, वो तो वही देगा। फिर जैसे 1,00,000 का दे रखा है गुडविल का फॉर्म पे, तो यहाँ 1,00,000 घटने का देना, अगले का शेयर निकालना। जैसे 1/5 के लिए तो 1,00,000 का 1/5 होता है 20,000, तो यहाँ न्यू पार्टनर क्या आएगा 20,000। तो ये गुडविल को लेके आपके कुछ इंट्रीज है, कैश दे सकता है, कैश नहीं दे सकता, या प्राइवेट कैसे पे कर सकता है? प्राइवेट प्राइवेटली पे करेगा तो एंट्री नहीं होगी, कैश पे करेगा तो कैश की जो जो एंट्रीज है वो दिखाती है, और यदि वो पे ही नहीं करेगा तो उसकी कैपिटल से आप निकालो और उनको पार्टनर्स को प्रोवाइड करवा दो। आया समझ में यहाँ तक? अब एक एंट्री और लिखाऊंगा इसमें, तो ऐसे एरो डाल के पॉइंट लिखते जाओ ना, प्राइवेटली For cash, do not pay cash, ठीक है ना, ताकि वो error किस चीज के लिए वो पता चले। Do not pay goodwill amount, जब goodwill amount pay नहीं करेगा तो cash करेगा तो cash वाली हो जाए, private करेगा तो private वाली हो जाए। ऊपर हमने heading डाल दिया है accounting for goodwill, ये सारे accounting किसके लिए चल रही है? Goodwill के लिए। Question को carefully पढ़ेंगे, पढ़ते पता चल जाएगा हमें क्या। अब लेना चाहो तो भर क्लास में क्लास ले लेते हैं क्लास, मेरा नाइट फोन भी आया था क्लास में। ओके मेरे घर में काम था, हम तक क्लास में आ रहे हैं और उसके बाद सारी क्या करते हैं क्लास उसके बाद आता है और अगर सेट करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक टॉपिक डालना, व्हेन गुडविल अमाउंट गुडविल अकाउंट अपीयर इन बुक्स, अगर गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर इन बुक्स, गुडविल अकाउंट पहले से ऑलरेडी बुक्स में हो। अब ऑलरेडी बुक्स में हो वो कैसे पता चले? तो या तो छोटा क्वेश्चन आएगा तो उसमें साफ साफ बोलेगा कि 20,000 अमाउंट ऑफ गुडविल अपीयर इन बुक्स, यानी बुक्स में है, खत्म बात, आपको अपना पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा जो न्यूमेरिकल के बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। क्या गिवन होगी? बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक क्या होती है? एसेट साइड। और उस एसेट साइड को देख लेना, अगर उसमें कहीं भी गुडविल मेंशन है, गुडविल क्या है? मेंशन है, इसका मतलब गुडविल बुक्स में है।
गुडविल बुक्स में क्या है? है तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो बोलेगा नहीं, सीधा बैलेंस शीट में देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो गुडविल बुक्स में नहीं है, देगा तो गुडविल बुक्स में है। और अगर बैलेंस शीट नहीं देगा, छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है, तो या तो वो साइलेंट है तो ये मान लो बुक्स में नहीं है, और अगर बुक्स में है तो उस पर मेंशन करनी पड़ेगी वेयर गुडविल अकाउंट अपीयर इन बुक्स, गुडविल अमाउंट अपीयर इन बुक्स, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, ऑलरेडी है बुक्स में, ऐसा कुछ बोलेगा तो आपको क्या करना है, उस गुडविल अकाउंट को क्लोज कर, उस गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देना। क्लोज करने की एंट्री क्या होती है देखो, होल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल, होल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। सबसे पहले याद रखना गुडविल के सामने कौन से अमाउंट आएगी, बुक वैल्यू, जो बुक पे है, चाहे वो 20 की हो, 10 की हो, 5 की हो, लाख की हो, 50 लाख, बुक वैल्यू। और ओल्ड पार्टनर में वो डिवाइड हो जाएगी कौन से रेशियो में, ये भी याद रखना, ओल्ड सैक्रिफाइस मत कर देना गलत हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। बस आपको इतना सा याद रखना है। अब सैक्रिफाइस आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा, सैक्रिफाइस ओनली फॉर न्यू पार्टनर्स के गुडविल को डिवाइड करने के लिए यूज आता है और कहीं उसका यूज नहीं। तो सैक्रिफाइस जब हमने इतने बड़े क्वेश्चंस निकाले थे, और निकाले थे, गुडविल की जो कैलकुलेशन की थी वो सारा काम किसके लिए किया था, इन इंट्रीज के लिए। पहले तो गुडविल की कैलकुलेशन हो सकती है, सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन होगी, फिर गुडविल का डिवाइडेशन होगा इन सैक्रिफाइस में, इन सैक्रिफाइस। अब पूछो गुडविल की इंट्रीज में किसी को कोई डाउट है तो, कोई डाउट यहां तक आया समझ में? लास्ट एक और फिर गुडविल का, गुडविल को लेके एक मेथड चलता है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अब ये रिवैल्यूएशन मेथड क्या बोलता है कि गुडविल की जो आपने कैलकुलेशन किया उसका रिवैल्यूएशन किया, जो उसकी वैल्यूएशन निकाली, उस रिवैल्यूएशन से आपको ये पता चल गया गुडविल की कितनी है, 5 लाख की है, 3 लाख की है, 2 लाख, तो उसको बुक्स में दिखा दो, उसको किस में शो कर दो, बुक्स में शो करो। अब बुक्स में शो करोगे यानी गुडविल अकाउंट ओपन करोगे, तो गुडविल अकाउंट जब ओपन करोगे तो एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, गुडविल इसमें लिखता हूं व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन, एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, गुडविल क्या कह जाएगी उसकी जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपने उसकी सर्च की है, और ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे ओल्ड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस किसकी गुडविल होगी, सिर्फ न्यू ओल्ड पार्टनर उस गुडविल अकाउंट को ओपन कर देंगे। अब गुडविल अकाउंट क्या हो गया, ओपन हो गया, अब ओपन हो गया तो बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट्स, और उसको दिखा, पहले से है और कुछ नहीं बोला तो उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर फ्यूचर बोलते हैं इसको तो ओपन ही कर दो अपने को, इसको तो दिखाओ तो जितनी अमाउंट होती है, जैसे सपोज आपकी 1 लाख गुडविल है, पहले से बुक्स में 20,000 है, तो आप कितने से अकाउंट ओपन करोगे, 80,000, 20 पहले वैल्यूएशन एक पे आई 80 करते ही वो कितने की हो जाएगी, 1 लाख, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन।
जो इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसको प्लस माइनस कर दो। जैसे इंक्रीज हुई रेटियो ओल्ड रेशियो में, और जो भी इंक्रीज महंगी हो बाय द वे डिक्रीज हो तो लिखाने की जरूरत है क्या? एंट्री क्या रहेगी? अपोजिट। ओल्ड पार्ट का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज, इंक्रीज हो तो ये और डिक्रीज हो तो जस्ट अपोजिट। ये आपकी एंट्रीज हो गई गुडविल को लेकर। तो गुडविल को लेकर ये एंट्रीज है और आपका गुडविल का टॉपिक क्या हो गया आज यहाँ तक। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है पूछ लो, किसी को डाउट है पूछ लो भाई। गुडविल को लेके, गुडविल की सारी एंट्रीज हमने नॉर्मली देखी है, क्या क्या है? प्राइवेटली पे कर सकता है, कैश पे कर सकता है, कैश नहीं लेके भी आ सकता है, गुडविल बुक्स में लिखी भी हो सकती है, उसको बंद करते कैसे है, गुडविल की वैल्यूएशन इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है, तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी है ना वैल्यूएशन ये, तो इन सब को अच्छे से देख लेना। किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट कल क्लास हो सकती है, मे बी पॉसिबल कल अकाउंट क्लास हो सकती है, कल हमें आना है। तो अगर अकाउंट की क्लास हो तो आपको ग्रुप में टाइम सेंड कर दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी। थोड़ा हिंदी की इसको बेहतर के क्लास होने को आते हैं, कल हमें भी आना है तो क्लास होगी तो बता देंगे आपको, इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप ग्रुप में एक्टिव रहना, कल अकाउंट की क्लास हो सकती है। ओके, आज के नेक्स्ट क्लास आप अनुमान आप अनुमान में क्लास होगी।